वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले अपनी 28 सूत्रीय मांग को लेकर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लंबित मांगों के संबंध में सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा दुर्ग के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई, जिसमें संभागीय आयुक्त दुर्ग संभाग को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपनी लंबित मांगों के समर्थन में शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर सकारात्मक कार्रवाई हेतु अनुरोध स्वरूप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा शासन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जो शासन स्तर पर लंबित होने के कारण अब तक 12 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। वहीं संभाग स्तर पर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आगामी 30 मार्च को प्रांतीय स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की बातें कही गई है, साथ ही ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारी सैयद असलम ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अपने 28 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों में एक ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग है कि सभी वर्गों में जो हमारी वेतन विसंगति 30 वर्षों से है और तीनों संचालकों ने इसमें अनुशंसा पत्र शासन को भेजा, उसको दूर किया करने के लिए उसको प्रदेश में लागू किया जाए। नर्सिंग कैडर के लिए ढुलाई भत्ता 3,000 रुपये दिया जाए, पदोन्नत कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, जीवनदीप के जो हमारे कर्मचारी है अभी सभी जगह जीवनदीप के कर्मचारियों को निःशुल्क कर रहा है, कर्मचारियों मरीजों की पर्चियों को, तो जीवनदीप की आय खत्म होगी तो जीवनदीप को वेतन कहाँ से भुगतान होगा। हमारी मांग है कि उनको कलेक्टर दर से भुगतान किया जाए, नियमित पदों के विरुद्ध में भर्ती किया जाए, उनको अवसर दिया जाए। हमारी प्रमुख मांग है कि हम लोग प्रदेश में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 दिवसीय कार्य प्रणाली को चालू किया है, प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं और विगत 3 वर्षों से कोविड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो हमें भी शनिवार का लाभ देने के लिए हम पुलिस विभाग की तरह 13 महीना का वेतन मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा भी काम 24 घंटे 7 दिवस है। हमारी प्रमुख मांग है कि चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ड्राइवरों वार्ड बॉय ओटी अटेंडेंट और जो भी हमारे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उनकी नियमित पदोन्नति की जाए, उनकी जो वेतन विसंगति दूर की संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, ऐसी 28 सूत्री मांगों को लेकर और हमारे फेडरेशन के साथ में एक मांग ये भी जुड़ी हुई है कि प्रदेश में अभी 21% महंगाई भत्ता मिल रहा है और उस 21% महंगाई में हम 14% पीछे चल रहे हैं, 17% अभी यहाँ पे मिल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी संवेदनशील होकर घोषणा करें कि प्रदेश के सभी कर्म और 7वां वेतनमान के अनुरूप हमको गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिलता है, 6वां वेतनमान में जो गृह भाड़ा भत्ता है उससे हमसे 3,000 से 4,000 हर कैडर को नुकसान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह निवेदन है कि हम पीड़ित मानवता की सेवाएं हम हड़ताल पर ध्यान नहीं रखते हैं और विश्वास भी नहीं करते, मजबूरी में हम सड़कों पर उतरते हैं, हमारा HR है 7वें वेतन मांग के अनुरूप प्रदेश के कर्मचारियों को दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।